फैक्ट्रीज़, इंडिया में फैक्ट्रीज़ कैसे आई और इंडियन लोगों ने फैक्ट्रीज़ कैसे बनाई। तो पहली फैक्ट्री कॉटन मिल की 1854 में बनी। ओके, 64 तक चार मिल्स बन चुकी थी और 94,000 स्प्लेंडर्स आ गए थे, लूम्स आ गए थे उसमें। जूट मिल्स भी आने लग गए और एक के बाद एक, फिर नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल कानपुर में, ये सब चीज़ें होती गई, अहमदाबाद में हुआ, स्पिनिंग एंड वूविंग मिल मद्रास में आई। अब ये किसने स्टार्ट किया? तो उस समय पांच नाम मैं आपको दे रहा हूँ, पांचों नाम इम्पॉर्टेंट हैं। पहला नाम है द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने बनाया 6 कंपनीज इन द 1830 से लेकिन 1840s तक। बाद में 1840s में एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस आया था जिसमें सब लोग के कंपनीज लॉस हो गई, इनका भी लॉस हो गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है द्वारकानाथ टैगोर जी का नाम। दूसरा, बॉम्बे में पारसीज थे दिनशॉ पेटिट, जमशेद जी टाटा, ये तीनों गए। फिर सेठ हुकुमचंद थे, उन्होंने शुरू किया पहला जूट मिल। और फिर बिरला जी, जो जीडी बिरला है, बिरला टाटा बिरला, आप बिरला नाम सुना होगा, तो टाटा भी हो गए बिरला, बिरला के जो पिताजी और दादाजी थे वो दोनों भी इसमें थे। तो बिरला टाटा, सेठ हुकुम चंद, द्वारकानाथ टैगोर और रिपीट करी मेरे साथ में दिनशॉ पेटिट, इन लोगों ने इंडस्ट्री शुरू की। इन्होंने चाइना से ट्रेनिंग किया कॉटन यार्न का, कॉटन बारीक वाला जा रहा है इंग्लैंड मैनचेस्टर, तो मोटा कॉटन जो होता है जो कि दूसरे काम आता है, फाइन क्लोथिंग नहीं बनती, वो चाइना में बहुत डिमांड था, चाइना में इन्होंने बेचना शुरू किया। अच्छा, कुछ बिजनेसमैन थे जो मद्रास में थे, जो बर्मा में ट्रेनिंग कर रहे थे सी से बहुत ज़माने से, और कुछ थे बॉम्बे में, वो सब मिडिल ईस्ट अफ्रीका से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनका ट्रेड चलता रहा। ओके, और कुछ थे इंटरनल वाले, मतलब जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देश भर में ही सामान ले जाना ले आना, वो लोगों ने भी इंडस्ट्री शुरू की जब उनको मौका मिला, पैसा मिला, क्योंकि वो तो कभी बंद होगा नहीं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ब्रिटिशर्स को या इंडियंस, दे नीड द इंटरनल ट्रांसपोर्ट पीपल, यहाँ से मुंबई से कानपुर भेजना है तो यू नीड द ट्रांसपोर्ट पीपल, राइट, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ी, फैक्ट्रीज बढ़ी। अब लेकिन ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल लगा दिया, वो बोले कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे हमारे काम की चीज़, इंडिगो, कॉटन, वीट, ओपियम, जो हमारे काम का है, जो इंग्लैंड को चाहिए, आप वही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पैसा ये लोग लगाते थे यहाँ के व्यापारी, लेकिन फैसले वो करते थे इंग्लिश लोग। अब तीन बड़ी कंपनीज आई थी, उनका नाम भी है बर्ड हैंगलर, एंड्री यूल एंड जार्डिन स्किनर, ये तीन नाम भी आ जाते हैं इसमें। इन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, फाइनेंस इंडियंस दे रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन सारे ब्रिटिशर्स ले रहे थे, ऐसा कंट्रोल था, अत्याचार था। अच्छा, अब वर्कर्स कहाँ से आएंगे? तो वर्कर्स लोकल बॉम्बे में, वर्कर्स लोकल एरिया से, गांव से, रत्नागिरी से, कानपुर में, कानपुर के गांव से, इस तरह से। तो बोल रहे कि 1900 में 5 लाख वर्कर्स थे, 1946 में 24 लाख वर्कर्स आ गए। तो ये सब शहर छोड़ के आने लग गए, गांव छोड़ के आने लग गए, बाद में फिर गांव से और आए। अब ये हुआ कि अब जॉब मिलना मुश्किल हो गया, तो कंपनी वालों ने क्या किया, जो भी जॉब सीखकर आ रहा है सबके लोगों ने, जैसे होता ना कॉन्ट्रैक्टर्स लगाते हम लोग आज, तो इंडस्ट्रीज ने एक जॉबर नाम का पर्सन को एम्प्लॉय किया, उसका नाम था जॉब दिलवाना नए लोगों को, और ये एक ओल्ड वर्कर होता था, तो गांव से लेके आएगा, उनको हेल्प करेगा, शहर में काम दिलवाएगा वगैरह वगैरह, है ना। तो वो बोला, वो उसको भी आता लालच, वो पैसा मांगता था, गिफ्ट मांगता था, और वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल करता था। ओके, फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या बढ़ती गई। ओके, लेकिन अभी ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रहते गए। चलिए, तो ये छोटा सा चैप्टर था जो बताता था कि ये हमारी इंडस्ट्रीज कैसे शुरू हुई।